أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى القرآن أميد دواهي كاب سبخر العافية سهى در جنب آمين الحمد لله توكل جهة همني التقاس ساكنين كسيك هاهي رايت الحمد لله तो व्हाट इज़ अल्त साकिनैन सान का मतलब होता है करीब आना मिल जाना एक दूसरे का क़रीब आना कमिंग क्लोज़ रखें किसका साकििन का साकिनैन यानी दो साकिन हरूफ का एक दूसरे के साथ करीब आ जाना इसको कहते हैं इल्तिका साकिनैन ओके कुरान के अंदर इल्तिका साकिनैन के दो पॉसिबिलिटीज होते हैं कौन से हैं या तो दो साकिन एक ही वर्ड में मिल जाएं या ऐसे भी हो सकता है कि दो साकिन दो वर्ड्स के अंदर मिले जैसे एक वर्ड के आखिर में साकिन हो और नेक्स्ट वर्ड के शुरू में साकिन हो एज वी अरबी में एक वर्ड साकिन से शुरू नहीं हो सकता तो ने, नेक्स्ट वर्ड के शुरू में जो साकिन होता है ऑब्वियसली उससे पहले हमजत अवसल होता है तो ये जो सेकेंड केस हम सीखते हैं सेकेंड पॉजिबिलिटी उसमें यही होगा कि जब एक वर्ड के आखिर में साकिन आता है और उसके बाद का लफ्ज़ हमजत अवस्ल से शुरू होता हो तो किस तरह हमने आ, उन वर्ड्स को मिलाकर पढ़ना है ओके इनको कहते हैं अल्त साखिनईन तो इसके जो दो मेन पॉजिबिलिटीज़ हैं पहला है कि एक वर्ड के अंदर ही जो है दो साकिन का मिलना इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रूल को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है वक्त के अंदर दो केसेस हैं वसल के अंदर एक वक्त के अंदर यह कि सुकून या अलीन के अंदर हमने देखा जब लास्ट लेटर आरजी सुकून लगता है उससे पहले हरूफ या मद होता है तो हमने उसको मद की तरह खींच कर दो चार या छः हरका पढ़ते हैं तो इट इज ईजी टूस टू सान नीड्स इन वन सेम वर्ड राइट डूरिंग वक्त ऐसे ही वक्त के दौरान जब लास्ट लेटर पे हम साकिन लगाते हैं और उससे पहले का लेटर भी साकििन हो तो वो पढ़ना भी आसान होता है जैसे वल्फुरटूल के दौरान मद अलाजिम Uh, के अंदर ही होता है मदर लाजिम के अंदर कि uh, जो भी हरूफ अलमद होते हैं उसके बाद तशदीद का हफ़ जब आता है तशदीद के अंदर भी एक साकिन होता है और हरूफ अलमद भी ऑब्वियसली साकिन स्टेट में ही होते हैं ड्यू टू तो विच दो साकिन मिलकर हम मद की तरह अदा करते हैं देर ऑल्सो दर इज़ नो नीड ऑफ अपलाइंग एनी एक्स्ट्रा रूलिंग बट वन इट कम्स टू वॉट सरत साकिन इन टू वर्ड्स टू डिफरेंट वर्ड्स में जब आता है तब हमने थ्री uh, रूलिंग्स को अप्लाई करना होता है पहली रूलिंग ये है कि पहले वाले साकिन को जो हमज़तुल वसल से पहले आता है जो उसके पहले वाले वर्ड के आखिरी लेटर पे होता है उसको हरकत लगा देंगे दैट वो हरकत लगा हुआ ऑलरेडी कुरान में प्रेजेंटेड है तो हमें बस तिलावत करनी है हमें कोई ज़रूरत नहीं कि उस पर हम हरका लगाएं एंड जब तनवीन तनवीन भी एक साकििन ही होता है है ना जैसे ब बन लास्ट में नूह की आवाज़ आ रही है दैट मीन जर इज़ नून साकिन छुपी हुई नून साकिन होती है उसके बाद जब हम दुल्वस्ता है तो हमने उस नून साकिन को जो तनवीन में छुपा हुआ है उसे कसरा लगा कर पड़ना है जो फर्स्ट वाला केस है उसके अंदर कोई भी हरक़ आ सकती है लेकिन जो सकेस है जहाँ नून ने कुचनी हम लगाते हैं वह नूने कुचनी तनवीन की हमेशा कसरा के साथ ही आती है उस पर फ़तेमा नहीं लगेगा नून ने कुचनी इज़ ऑलवेज़ विथ कसरा ओके लास्ट क्या है हैफलम भी एक साकििन स्टेट पर ही होते हैं ओके जब हरूफ अलमद के बाद या हरूफालमद स बाद हम जल्वस्त से शुरू होने वाला वर्ड आता है जो ऑब्वियसली सान से ही शुरू होता है तो उन दोनों वर्ड्स को मिलाते हुए हमने एक साकिन को ड्रॉप करना है निकालना है और कौन सा साकिन को निकालेंगे ऑबियसली वी विल रिमूव दी मद लेटर्स ओनली ड्यूरिंग वसल वसल यानी मिलाकर पढ़ने के दौरान लेकिन जब हम स्टॉप करते हैं एक आ, मद के लेटर पे तो उस मद को पढ़ा जाएगा और हमजतुल वसल से शुरू करेंगे तो उस वसल को भी पढ़ा जाएगा लेकिन जब हरूफल ममद को और हमजतुल वसल को मिलाकर पढ़ते हैं तो हम उस हरूफल मद को कैंसिल कर देते हैं ओके वी विल जस्ट ड्रॉप दैट लेटर अलहमदिल्ला तो बहुत आसान था मे बी ऑल हैव रिवाइज इट एज वेल है जूम रिकॉर्डिंग लिंक यूट्यूब पर तो पोस्ट नहीं हुआ है बट यस आई होप आपने रिवाइज किया है विद रिकॉर्डिंग लिंक अलहमद सो इसका छोटा सा क्विज होगा एक्चुअल में इतने सारे क्वेश्चन नहीं हैं इसमें अंडरस्टूड है जस्ट फाइव क्वेश्चन ही मैंने लिए हुए हैं लेकिन जब इनशाला आपका असाइनमेंट टेस्ट होगा उसके अंदर इमेजेस इंक्लूड किए जा सकते हैं है ना तो इमेजस इंक्लूड करके क्वेश्चन आएंगे कि इसमें कौन सी रूलिंग हो रही है तब आपको वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं इस टॉपिक से बट इन दिस जूम दर इज़ नो ऑप्शन फॉर इमेज एंड ऑल देर फॉर देर आर जस्ट फाइव क्वेश्चन वेरी सिंपल एंड ईजी विच इनशाला यू विल अटैम्प्टाउ ओके

सेकेंड क्वेश्चन है okay. हमजरत अवसल से पहले हरूफ मद आए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाई रीडिंग दीज क्वेश्चन सो वन आई एम रीडिंग काइंडली यू डोंट रीड ओके जस्ट लीजन हमजरतल से पहले हरूफ मद आए तो वसल के दौरान वसल यानी जब उन दोनों वर्ड्स को मिलाकर पढ़ रहे हैं तब हरूफ मद को क्या करेंगे क्या उसको कोई हरकत लगा कर पढ़ेंगे या उसको हरूफ अलमत को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे ड्रॉप कर देंगे या हरूफ अलमत को पढ़ेंगे जैसे जो हरका पढ़ा जाता है उसको वैसे पढ़ेंगे या ड्रॉप कर देंगे या कोई हरकत लगाएंगे ओके सेकेंड क्वेश्चन वॉज दिस थर्ड इज वसल से पहले हरूफ अलमत आए लेकिन अब हमने वक्फ़ कियाफलमत पर स्टॉप कर दिया नेक्स्ट हमजरत अवस्ल को नहीं पढ़ा तब हरूफल मत को क्या करेंगे सेम यहाँ पर भी ऑप्शन हैं कोई हरकत लगाएंगे यह मत को ड्रॉप कर देंगे नहीं पढ़ेंगे या उसको पढ़े पढ़ा जाएगा जो दो हरका खींच कर हम नॉर्मली पढ़ते हैं हरूफ मत को क्या वैसा पढ़ा जाएगा ये तो क्वेश्चन है ओके फोर्थ क्वेश्चन हमजत अलवल से पहले तनवीन आए तनवीन तनवीन की बात हो रही है तो वक्फ़ के दौरान नॉट ड्यूरिंग द वसल बल्कि वक्फ़ तनवीन के बाद आपने वक्फ कर दिया नेक्स्ट वाले हमज़रत अवसल को आपने पढ़ा ही नहीं तो क्या वो तनवीन की नून कुचनी जो है वो पढ़ी जाएगी नून कचनी की क्या ज़रूरत होगी जब आप वक्फ़ कर रहे हैं तनवीन के बाद विदाउट रीडिंग द वर्ड विद हमजतुल्वस्ल ओके लास्ट क्वेश्चन इज़ नूने कुचनी किस हरकत के साथ पढ़ी जाती है अभी मैंने बताया क्या उस पर कोई भी हरकत लगा सकती है फतहा दुमा कसरा या सिर्फ फतहा या सिर्फ कसरा या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। इजी है जस्ट okay. अच्छे से पढ़ने की जरूरत है क्वेश्चन लेंदियर हैं बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन एवरी थिंग इन दैट क्वेश्चन के वक्त करना है वसल करना है ओके आई गिवन मिनट टाइम काइंडली जस्ट वन मिनट ओके सो हियर आर आंसर्स बसमे सान का मतलब दो साकिन का करीब आना है जुदा होना नहीं है वस्ल से पहले आए तो हरूफल के दौरान जब मिलाकर पढ़ते हैं तो ऑबली हम हरूफ अलमद को नहीं पढ़ेंगे माशाल्लाह सब ने सही लिखा हमजत वस्ल के बाद जब हरूफअल मद आता है तो हम वक्फ़ भी करेंगे है ना वक्फ करने पर हमने दो हर का खींच कर पढ़ना है ओके okay? कुछ नहीं खा के हम अलिफ मत पर हरकत लगा देंगे जी नहीं अलिफ मत पर हरकत नहीं लगेगी हरूफअलमत को नहीं पढ़ेंगे नहीं हरूफल मत को नहीं पढ़ेंगे यहाँ ऊपर जो वसल होता है ना तब नहीं पढ़ेंगे ओके लेकिन जब हरूफअलमद को वक्फ करना होता है तो जरूर पढ़ा जाएगा अहमदलवसल तो से पहले तनवीन आ जाए तो वक्फ के दौरान क्या तनवीन की नोने कोतनी पढ़ी जाएगी नहीं हम जब वक्फ करते हैं तो हमने फतहतान तान को अली मदलव की तरह पढ़ना है बमतान कसरतान को साकिन लगा कर वक्फ़ करना है एंड वन इट कम्स टू हमजत अलवस्म अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो निल लजी ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि वहाँ पर भी स्टॉप कर देंगे वी विल नॉट रीड निल लजी बट वी विल नॉट रीड नूने ओके okay? हाँ का जवाब रॉन्ग है नहीं लिखना है आपने नूने कुतनी किस हरकत के साथ पढ़ी जाती है सिर्फ फ़तहा इज़ रॉन्ग स्टूडेंट्स ने सिर्फ फतहा लिखा है सिर्फ कसरा ओके युमा था ओके? नी 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 आता है सो ऑबियस यू कसरा दे रखे कुछ नी हमेशा जो मजीद मुसफ़ है छोटा सा नून और नीचे कसरा लिखी हुई मिलेगी कभी फतः या गुम्ह नहीं होता इट्स ऑलवेज कसरा ओ सॉरी आई डिड नॉट शेयर यू द रिजल्ट्स Fine. Here they are. Okay. Stopping the share. Alhamdulillah. So we have completed the quiz as well. Both easy topic here. जी तो अब इन आज हम एक और न्यू टॉपिक को देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अन नबर ओके व्हाट इज़ अन नबर नबर होता है ओबियसली उर्दू में हम हरका लगा ही देते हैं और हम नबर नबर कहते हैं एक्चुअल में दैट इज़ अन नबर ओके okay. होता है नब्र नब्र का मतलब आवाज़ का ऊंचा करना सिंपल वे में बताया जाए तो एलिवेशन ऑफ द साउंड रखे नबर का मतलब है स्लाइट एलिवेशन आवाज़ को बुलंद करना बुलंदी की तरफ जाने को अनब्र कहते हैं ओके okay. ये किस वजह से होता है इसकी ज़रूरत क्या है क्यों करना पड़ता है इंशाल्लाह देखते हैं इसकी इतलाह तारीफ क्या है किसी भी हर्फ का कुछ हिस्सा या सारा ही जो लेटर होता है वो हर्फ पे जोर देकर पढ़ना ओके okay. जिससे उसकी आवाज़ जो है ना वो दूसरे हरूफ के मुकाबले में कुछ ऊंची साउंड करेगी फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ, पढ़ती हैं एक टोन में है ना कुरान की तिलावत एक टोन में कर रही होती हैं आपकी आवाज़ भी एक टोन में ही जाती है ऐसा नहीं होता कि कभी आप आवाज़ को ऊंची कर दें कभी नीचे कर दें राइट कुरान की आवाज़ को हमने बहुत ही मॉडरेशन में पढ़ पढ़ते रहना है आपकी आपको थोड़ा सा लाउड पढ़ना है तो लाउड ही रखें मीडियम रखना है तो मीडियम बहुत स्लो पढ़ना है तो भी स्लो पढ़ें बट ऐसा नहीं कि आप अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते जाएँ यस टोन तो ऊपर नीचे होती है वेन इट कम्स टू मैद आप थोड़ा सा खींचने के लिए आवाज़ ऊपर करते हैं नीचे करते हैं बट आपकी जो पिच होती है जो साउंड होता है उसको हाई कर देना नबर है ओके, okay? uh, के आपकी पिच हाई हो जाना, Fine, इसको नबर कहते हैं। या तो एक लेटर की कंप्लीट आवाज को ही हम हाई कर देते हैं उसकी पिच को हाई करते हैं या उसका कुछ हिस्से को उस लेटर का कुछ हिस्सा हम थोड़ा सा हाई करते हैं फॉर एग्जांपल मध है छह हरका खींचा जाता है तो उसमें फिफ्थ हरका तक हम सेम आवाज रखते हैं जैसे ही वो सिक्स हरका पे पहुंचेगा उसकी आवाज सिक्स हरका की थोड़ी सी हमने ऊंची कर दी तो क्या हुआ कि एक ही हरूफ अलमद जो हम सिक्स काउंट खींच रहे थे उसकी लास्ट हरका थोड़ी सी ऊंची हो गई है ना ये क्यों करना पड़ता है तिलावत के दौरान कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा स्टेट आ ही जाता है जैसे साकिन में हो या उनके अंदर तजदीद आ गई तो उनको वाजे करने के लिए तिलावत के दौरान जब कुछ हरूफ अपने कुछ स्पेशल स्टेट में होते हैं तो उनको वाजे करने के लिए उनको और बेहतर साउंड करने के लिए क्लियर साउंड करने के लिए हमने जो है नबर करना है उनकी आवाज़ को थोड़ा ऊँचा करके पढ़ना है ताकि हम उनकी जो लेटर की अदा करने का जो हक है वो सही से अदा हो जाए ओके okay, ऐसा ना हो कि उसमें अगर तशदीद है तो वो ग़ायब हो जाए साकिन है तो बिल्कुल चला जाए ओके okay? इसको कहते हैं अन नबर टू मेक इट वेरी प्रोमिनेंट वो लेटर जो तिलावत के दौरान कहीं छुप जाएगा जब हम तिलावत करते हैं तो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी जो सिफत ऐसी होती है जो वहाँ पर हमने ज़्यादा अप्लाई करना होता है वो किसी ना किसी वजह से वो छुप जाती है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए वाजे करने के लिए क्लियरली अदा करने के लिए हमने नबर करना होता है ओके नबर इन देंस राइजिंग द एक्सेंट राइजिंग द साउंड और राइजिंग द पिच ऑफ योर साउंड फाइन इसको कहते हैं अन नबर जब आप इसके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि नबर कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है और किन लेटर्स uh, पे हमें करना होता है इसके फाइव केसेस हैं ओनली फाइव केसेस बट एग्जाम्पल्स आर मैनी इन दैट एक एक केसेस में आपको बहुत सारे एक्जाम्पल्स मिलेंगे लेकिन केसेस तो फाइव हैं अलहमदिल्ला जिसमें आज हम सिर्फ तीन को कम्प्लीट करेंगे बिकॉज थोड़ी सी लेंदियर टॉपिक है और बाकी के दो इन हम कल देखेंगे ओके okay? जी तो आई होप आपको समझ आ गया है नबर की डेफिनेशन एंड वॉट एक्चुअली नबर इज़ बट टिल यू डोंट सी हाउ आई प्रोनाउंस प्रनाउंस नंबर आपको समझ ठीक से नहीं आएगा तो इन लेट्स बिगिन टू लर्न अबाउट नंबर ओके नंबर होता कब है इन फाइव केसेस में होता है पर वक्त करने पर एक वर्ड है जो मुशद लेटर से एंड होता हो ओके okay, तो ऑब्वियसली वक्त के दौरान हम आवाज़ और सांस स्टॉप कर देते हैं तो वाल स्टॉपिंग ऐसा हो सकता है कि उस तजदीद की जो सिफ़त है शिद्दत वाली सख्ती वाली जहाँ पर ऑब्वियसली दो लेटर्स होते हैं तो स्टॉपिंग के दौरान ऐसा हो सकता है कि उन दो लेटर्स को हम सही से अदा ना करें और वो साउंड करें कि हम सिर्फ एक ही लेटर पढ़ रहे हैं इस नतीजे पर आई I मीन mean, ऐसे जब केसेस होते हैं तब हमने उसको नबर करके पढ़ना है ताकि वो तशदीद वाला लेटर वाजे हो जाए ओके बिकॉज तशदीद इंपॉर्टेंट सेकेंड रूलिंग भी तशदीद पर डिपेंड करती है वाव और या मुशद जब वाओ और या मुशद पर होते हैं आई I मीन mean, वो जब मुश्दत होते हैं वाव मुशद या मुशद तो वी हैव हाँ टू तो मेक श्योर कि वो लीन या हरूफल मद ना बन जाएँ ओके okay. इस वजह से हमने ऐसे केसेस पे या मुशद और वाह मुशद पर नबर करके पढ़ना है ताकि उनकी साउंड वाउलन यालिन वाउद या मद ना लगे ओके okay. इससे क्या होता है तशदीद की जो प्रॉपर्टी है वो चली जाती है दैट इज़ वाई हमने मुशद्दद वाव और या को वाजे करने के लिए नबर करना है दिस इज़ दी सेकेंड केस थर्ड तो केस क्या है मद अजिम मुसल मुशल देखिए मुशल किस वजह से होता है क्या आप में से कोई बता सकता है आप सब सही कह रही हैं मुफ़क्ल का मतलब जब तब, तब तशदीद होता है तो ये तीन केसेस भी जो है ना तीन केसेस भी तशदीद के हैं सो यू विल कम टू नो कि तशदीद का निकालना या लगाना लहने जलिए हमने सीखा था बेसिक्स में राइट सो नाउ मे बी यू केम टू नो वट इज़ द इम्पॉटेंस ऑफ तशदीद तशदीद को सिर्फ वाजे करने के लिए हमने तीन केसेस में नबर करना होता है बाकी के जो दो सेसेज़ हैं उसमें पहला जो फोर्थ वाला है वो हमजा साकिना पर नबर करना है स्पेशली अगर उससे पहले हरूफल ममद या लीन हो क्योंकि हरूफल मद में हम Obviously, मद करते हैं लीन के अंदर जब मद अलन हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी खींचने के दौरान ऐसा हो सकता है कि हमजा साकिना जो है हमजा साकिना क़ता करके पढ़ा जाता है सांस और आवाज वहाँ पर भी रोकी जाती है हमजा साकिना पर और साथ में वक्त का मतलब भी यह है कि सांस और आवाज का रोक देना इससे दर इज इस अ चांसिस दैट हमजा साकिन बिल्कुल भी गायब हो जाए तो हमने वहाँ पर भी नबर करना है ये जो लास्ट फिफ्थ वाला केस है ये ग्रामेटिकल रूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है सो वन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स ऑनलीदे तो फर्स्ट केस कौन सा है बेसिक तजवीज़ में वक्फ के लेसन के दौरान सीखा था जब जो लेटर्स वक्फ के दौरान साखिन में बदलते हैं वन द लेटर्स डूरिंग वक्फ उन पे जो ऐसी हरक़ा होती हैं जो साकिन में बदलते हैं लेकिन उसके साथ तशदीद भी हो तब हमने नबर करके उन मुशद हर्फ को जो सान पर हैं वक्फ़ के दौरान नबर करके अदा करना है वहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी मुझे याद है जो हमने लिए हुए थे बेसिक तजवीद तज्वी, में अस्ा मेरी यू अस्री है नमुस्तौर राइट सो यही होता है नबर ओके okay. तो दोबारा से देखते हैं मुश्द हर्फ पर वक्फ़ कब करना है मुशद हरफ पर या सुकून असली आ जाए और हम उस पर स्टॉप कर रहे हों या सुकून आारिद आ जाए जब हम वक्फ के दौरान स्टॉप करने के दौरान वो वाकिब लग रहा हो लेकिन मुशद हर्फ पर तो ऐसा हो सकता है कि जब हम उसको पढ़ रहे हों उसकी तशदीद की प्रॉपर्टी चली जाए तशदीद की प्रॉपर्टी क्या होती है सख्ती सख्ती इज़ वॉट शुड बी देयर इन तशदीद लेटर्स मुश्द्द लेटर्स वो चला जाए तो वो लेटर बेमानी हो सकता है उसका मीनिंग या तो तब्दील हो सकता है या तो वर्ड मीनिंगस हो जाता है बिकॉज जब दो लेटर्स आते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस वर्ड का वो हिस्सा होता है विद जस्ट कैन नॉट रिमूव दैट तशदीद तो शायद आप जब पढ़ रहे हैं आप उस पर थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं लेकिन सुनने वाले को जब तक आप नबर ना करें वो सुनाई ठीक से नहीं देगा नबर इज़ मोर अबाउट हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड वॉट योर रीडिंग बिकॉज इवन जब इमाम जो है मस्जिद में कैरात पढ़ते हैं कुरान की तिलावत करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के जो पीछे हैं करके पढ़ते हैं नमाज नमा नमाज़ जब पढ़ रहे होते हैं तो उनकी मीनिंग्स भी हमें समझना होता है राइट दैट इज़ दिन इम्पॉर्टेंट ऑफ द रिसाइटेशन ऑफ कुरान इन दलाह So, लेटर पे वक्फ कर रहे हो साकिन में भी बदल गया है लेटर और उन्होंने नबर किए बगैर स्टॉप किया तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो जो लास्ट लेटर था जिसपे तशदीद था वो एक्चुअल में सिर्फ साकिन था है ना ऐसा साउंड कर सकता है ड्यू टू विच दीनिंग सुन रहे हैं आपकी तिलावत को अगर उनको मीनिंग समझ आ रही है तो वो मीनिंग रॉन्ग समझ आएगी या तो उन्हें लगेगा कि वर्ड कुछ रॉन्ग है इसमें है ना वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेल रिसाइटिंग कुरान बिकॉज इट्स नॉट जस्ट फॉर द रिसाइटर व्हेन यू रिसाइट इट लाउडली एंड समवन लीजन्स टू योर रिसाइटेशन जिनको मीनिंग आती भी है उन्हें समझ भी आना है राइट सो दैट इज़ वाई नबर की अगर आप कभी डेफिनेशन uh, देखें तो इट इज़ मोर अबाउट Uh, आप खुद जब पढ़ रही हैं आपको तो दिखेगा वहाँ पर दो रॉ हैं दो या हैं और आप कोशिश भी करेंगे कि आप उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दें बट वो सुनाई ठीक से नहीं देगा ना आपको खुद सुनाई देगा ना किसी और को राइट इट इज़ मोर अबाउट द लिजनर्स जो आपकी रिसाइटेशन लिजन करते हैं दे शुड नो दैट देर आर टू लेटर्स देयर ओके तो इस वजह से वक्त के दौरान मुश्द हर्फ पर जब साकिन लगता है तो नबर करके अदा करेंगे उस मुश्द लेटर को वाजे करने के लिए इसके दो एक्सेप्शन हैं एक्सेप्शन इन देंस वहाँ पर नबर की ज़रूरत बस नहीं पड़ती फॉर एग्जाम्पल कोतुब जद अब सोचें कि वर्ड है हक ओके हे तो आपने यहाँ पे वक़ किया फाइन यू जस्ट वॉन्ट टू वक़ डू वक़ ह्योर तो फतेह जो है वो साकििन में बदलेगा और आप इसको क्या करके पढ़ेंगे बताएं कल कला की कौन सी लेवल uh, आप इस पर अप्लाई करेंगे इफ़ यू रिमेंबर वॉट वी हैड लर्न इन प्रीवियस क्लासेस विच लेवल ऑफ कल कला डू यू डू ह्योर दाइएस्ट लेवल ऑफ कल कला विच इज़ देट है ना यस yes. कलकलाकबरा को आप ईजलीफरेंशियट कर सकते हैं कलक़लाकबरा और कलक़ल शॉ से है ना तो आप इसको हक तो नहीं पढ़ेंगे हक़ल बल्कि आप पढ़ेंगे कलक़ला so, strong कर रहे हैं तो यहाँ नबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइट बिकॉज जैसे अगर आप तब ये पढ़ते हैं ना तब पता चल जाता है कि वहां पर तब तब नहीं है बल्कि तब तब यानी ऑलरेडी टू साकिंग हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग कलकला से ही पता चल रहा है देर इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा नबर देर राइट सो यहाँ पर जब खुतब जद पर तशदीद आती है और वक्त के दौरान उन खौफ का बाजिमदाल पर साकििन लगाना पड़ता है तो नबर की जरूरत नहीं होती सेकेंड केस कौन सा है ओके सेकेंड केस है जिन नगर हम लें वर्ड ओके नून पर तशदीद लगाएं और साकिन लगा दें और हम यहाँ पर स्टॉप करें या तो सुकून ऑलरेडी था या दुमा का कसरा था जिन नीवल इन ऐसा था आपने वहाँ साकिन लगा दिया तो बताएं कि अब इस नून को कौन सा गुना करेंगे फोर्स लेवल्स ऑफ गुना में कौन सा गुना हमें करना होता है यहाँ पर अकमल कामिल नाकस अनकस। सबसे हाइस्ट करना है कौन सा है अकमल है ना मुशद आ जाए नून और मीम नथिंग टू सी अगेन बस आपने अकमल गा करना है जिन राइट सो देर इज़ नो नीड ऑफ नबर इन टू केसेस वन इट कम्स टू वक्फ ऑन तशद लेटर्स ओके okay? कौन से केसेस हैं नंबर वन अलकला के लेटर्स पर साकिन के साथ तशद आ जाए नंबर टू नून और मीम मुशद पर साकिन आ जाए इसके जो भी के हैं, जब उन पर आप वक्त कर तो करके वाजे करना है के हम इन लेटर्स पे के दौरान दो लेटर्स को आखिर में पढ़ रहे हैं एक को नहीं आई विल रीड दिसके यहाँ पर देखें अगर मैं नबर ना करूँ तो कैसे साउंड करेगा व कुल्लू अम रिन मुस्तर मुस्तिर अब देखिए एक्सेसिव तकरार भी नहीं कर सकते रॉ पर अगर आपने मुस्तिर पढ़ा तो भी ऐसे लगेगा बस आपने साकिन ही पढ़ा बट वेन यू डू नबर अब देखिए कैसे साउंड करेगा व कुल्लू अम रिम कैन यू सी द लास्ट जो कौफ के नीचे कसरा है वो जब रॉ को मैं मिला रही थी इन दैट केस जब रॉ

जस्ट वॉन्ट यू टू राइट इन अ चैट बॉक्स इफ यू फाउंड के मैंने नबर किया और मैंने नबर नहीं किया जो दो नो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कि आपको स्लाइटेस्ट डिफरेंस नजर आया सुनाई so, दिया वो स्लाइटेस्ट डिफरेंस ये माशाउल दैट इज अ डिफरेंस विच इज वेरी स्लाइट नबर एक्चुअल में देखें ऐसे होता है आप तिलावत ऐसे ऐसे करते आती हैं फिर ऐसे हाई हो जाता है और दोबारा से ऐसे होता है ये होता है नबर बट इन फ्यू रिसाइटेशन अगर आपने किसी कुरा की रिसाइटेशन को सुना नबर को देखने के लिए वो नबर ऐसे करते हैं ऐसे तो आपको उतना ज्यादा साउंड भी नहीं करेगा अगर आपको नबर देखना है ना सही से सो आई रिकमेंड यू शेख उसदैस शेख उसदैस है ना मक्का के इमाम आप उनकी रिसाइटेशन सुने जहाँ जहाँ पर नबर होता है ही मेक्स दिस काइंड ऑफ नबर ड्यू टू आपको एक नबर क्या है इसका आइडिया मिल जाएगा ओके आई विल ऑल्सो सेंड यू दी आया बेटर है कि मैं आपको उनकी नबर के एग्जाम्पल शेयर कर दूंगी मैं भी यहाँ पढ़ूंगी बट uh, उनकी जो है वो मुझे बहुत क्लियर लगती है आई आई हैव टू द द ऑफ डिफरेंट फील नबर इज़ वेरी प्रोमिनेंट इज़ विद विदाइटेशन ऑफ शेख ओके आई विल सेंड यू द रिसाइटेशन एटलीस्ट ऑफ एन ही द नबर यू कैन जस्ट लिजन टू इट एंड क्लियर कर लें कि नब्बर कैसे होता है फ़ाइन बस हमने पिच को हाई करना है कुछ ऐसे भी करते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम सम वन लाइक थोड़ा सा बस ओके okay. और ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कितनी ज़रूरत हो सकती है नबर की बिकॉज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा नबर की ज़रूरत नहीं होती तो इसमें थोड़ी इंटेंसिटी उसकी लो साउंड ऑटोमेटिकली करती है आपने बस ट्राई करना है कि आप नबर करें कुछ सिस्टर्स नबर हर आयत की एंडिंग पे करते हैं इसको ना करें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलहमदल रबमी मीन ये देखिए ये नबर है ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के रिसाइटेशन में देखा है द नबर एट द एंड ऑफ एवरी आया और रहीम मालिक यौमिद्दीन देखिए इफ़ यू हैव रिजन टू समन रिसाइटेशन लाइक दिस एट योर होम मेक श्योर आप उनसे कहें कि ये नबर होता है जो बस वहीं करना है जहाँ पे करना होता है राइट right? ये भी एक रूलिंग ऑफ तजवीद है सो so, किसी लेटर को वाजे करने के लिए प्रोमिनंट साउंड करने के लिए और क्लियर करने के लिए वो यूज़ किया जाता है नॉट इन दी एवरी आई मीन एवरी एंड ऑफ एन आया स्पेशली एट द एंड ऑफ एन आई हैव सीन स्टूडेंट्स रिसाइटिंग लाइक दिस सो इट इज डन ओनली वेन नेसेसरी ओके अब यहाँ देखें विदाउट नंबर ये कैसे साउंड करेगा <laughs>

आज से आज से टू टू थ्री डेज जो भी आपकी तिलावत होगी इनशाला उसमें नबर पर कंसंट्रेट करें यू विल कम टू नो इट मोर बेटर सूर्फ फातिहा में ही आता है नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ेंगी ओके नंबर टेंथ को देखते हैं सॉरी ये जो थर्ड एग्जाम्पल uh, है अब थोड़ा सा नबर करूंगी देखें इतना तो तकरार हम नहीं कर सकते How to do it? आईनल सिर्फ दो रोल्स हम कर सकते हैं ना यू you नो know दैट तशदीद में रॉक के ऊपर दो रोल्स करना है तो हमने दो से तीन हो सकता है बट नॉट मोर देन दैट बट स्टिल दैट विल नॉट बी सो क्लियर एज हम उस पर स्टॉप कर रहे हैं है, है ना तो स्टॉपिंग के दौरान क्या करेंगे नहीं नबर कैसे नहीं के ऐसे कोई लेवल्स नहीं है कि किस में सबसे ज्यादा और किस में सबसे कम ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा ओके लेट्स नॉट डिवाइड द लेवल्स ऑफ नंबर देर इंस्टेड जस्ट अप्लाई द नबर ऑटोमेटिकली uh, वो, वो अप्लाई ठीक से हो जाएगा ओके इन शाह A little rising the accent, rising the pitch of your sound to make that letter clear, sound clear. Okay? Ain al mafar. Okay. So ye kab hota hai jab aap आयत के ending पे या आयत के दरमियान कोई ऐसा word है जिसका last letter تشدید के साथ है और वो last letter ना तो ق تو بجده खफ़्बाजमदा तो कलकला वाले लेटर्स और ना तो नून और मीम है क्योंकि खफ्बाज तो इमदाग पर हाइस्ट कलकला कल करते हैं तो वाजह हो जाएगा नंबर की जरूरत नहीं है एंड नून और मीम पर हाइसटना अकमल वाला टू हरक़ा करते हैं तो वहाँ पर भी इट इज़ अंडरस्टूड के वहाँ पर तशदीद है इसके अलावा जो भी अरबिकल्फ हैं और हम उस पर वफ़ कर रहे हों फ केस है वक्फ़ ओके फर्स्ट कंडीशन है वक्फ़ करना और सेकेंड कंडीशन है कि उन लेटर्स पे मुश्द रहना तशदीद होना इम्पॉर्टेंट है और कौन से लेटर्स आपको वो भी पता है कल वाले नहीं एंड गुन्ना वाले भी नहीं एंड थर्ड के थर्ड कंडीशन क्या है कि उस लास्ट लेटर पे ऐसे हरका हो जो साकिन में बदलते हों या ऑलरेडी साकिन हो कभी कभी वर्ड के एंड पे ऑलरेडी साकिन लगा हुआ आपको मिल जाता है और उस पर तशदीद भी अगर है ऐसा कभी होता नहीं अगर है तशदीद भी और साकिन भी तो आपने उसके ऊपर नबर करके अदा करना है फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट केस है अब हम दूसरा केस देखते हैं जो क्या था वाव और या मुशद जब लफ्ज़ के दरमियान में आते हैं लफ्ज़ के दरमियान में वाव और या मुश्दत आए तो कौन सा रूलिंग अप्लाई होगा वही जो हमने पीछे देखा भी जो अभी अभी यहाँ पे हुआ ना वो वाला अस मेरी यू अ री ऐसे होता है एट द एंड फाइन बट वेन इट कम्स टू मिडल अगर वर्ड्स के दरमियान भी आ, या मुशद आ रहा है या वाह मुशद आ रहा है तो हमने नबर करना होता है क्यों नबर करना होता है इसकी छोटे सी एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे दूँ फ या मुशद और कसरा या मुशद ओके अब लेंगे फतह वाह मुशद और दम्मा वाह मुशद ओके अब देखें हमजा पे फतहा जिसके बाद या आ जाए और वो साकिन में हो तो या लीन बनता है लीन का मतलब आसानी और नरमी है लेकिन यहाँ पर या तशदीद के साथ है तो या लीन यहाँ पर या जो है हरूफली नहीं बल्कि एक हरूफल लसान है तो हमने उसको अपने लसान से सही से प्रोनाउंस करना है उसान तो से साथ में तशदीद की जो प्रॉपर्टी शिद्दत वाली है इवन दो या एक थोड़ा, थोड़ा सा सॉफ्ट लेटर है बट स्टिल जितनी उसकी तशदीद की सख्ती है वो तो हमने अप्लाई करना ही है लेकिन उसको लीन बना कर आसानी के साथ बहुत नरमी के साथ अदा करके बिल्कुल भी तशदीद को निकाल देने से उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो सकती है या वो बेमानी बन सकता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम पढ़ेंगे अय्या थोड़ा सा देखिए आवाज हाई हो गया है नबर किया हमने अगर नहीं करेंगे तो ऐसे साउंड करेगा अय्या अय्या वो बन जाएगा ऐसे क्योंकि मुशद्दद हर्फ में हमेशा दो हर्फ होते हैं इट इज लाइक यू हैव सेपरेटेड देम आपने हुरूफ लीन को अदा किया फिर फतहा को अदा किया अय्या ऐसे हो जाएगा है ना या मुशद और वाह मुशद से पहले अगर ऐसे लेटर्स लेटर्स पे ऐसे हरकाज़ हों जो उनको यालिन वाउलिन यामद वामद बनाते हैं तो मेक शोर sure करना है कि नबर करें ताकि उन तशद की सख्ती ना चली जाए ओके तशदीद इज़ सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी देखें इ या नबर करेंगे हाई करेंगे एक्सेंट को वरना वसाउ करेगा ई या है ना दैट्स टोटली रॉन्ग सेम थिंग विद वाह मुशद इन दिस केस अब वाह अः

ये अक्सर होता है यू मे थिंक कि हम ऐसे नहीं कर रहे बट आई है यामद ओके इन एग्जाम्पल से देखते हैं इन शर्स्ट जो मैंने आय लिया हुआ है यहाँ पर यह ऑलरेडी सोलह फातेहा की ही है जो हम डेली रिसाइड करते हैं राइट ओके आई विल शो यू द रॉन्ग वे फर्स्ट हाउ हाउ स्टूडेंट यूजली रिसाइड दिस इन रॉन्ग वे इट विल बी लाइक दिस अबू दुआ ईयी What you did? थोड़ी सी या के अंदर तजदीद की प्रॉपर्टी तो थी बट वेरी विद डैट आपने वहाँ हमजा को मत बना दिया था हमजा को आपने खींचा था फॉर टू काउंट आई आई डस्ट फाइन दिसम टेलिंग यू इसको ईय अबू दुआ ईय का नहीं पढ़ेंगे इन का दुआ नबर के बगैर बस या पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कैसे साउंड करेगा इया का, इया का वो या में जो सख्ती है इवन दो या इतना सख्त लेटर नहीं है वो सख्ती बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगी है ना जस्ट एक्सेंट को राइज करें जो नॉर्मली तजदीद की प्रॉपर्टी शिद्दत वाली थोड़ी सी होती है उसको अप्लाई करें ज्यादा भी ना कर दें कैसे होगा कैन यू फाइंड द डिफरेंस एनी डिफरेंस आपको लग रहा है और आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि जो सेकेंड टाइम में नबर करके पढ़ रही हूँ वो एक लेटर को वाजे कर रहा है उसकी जो सिफ़ातें हैं वो बरकरार हैं तशदीद की सिफत भी है या की सिफत भी है है न जी नोट का नस्त नस्त ओके अब ये वाले एग्जाम्पल देखें यहाँ पर वाह मुश्दत है उससे पहले दम्मा है तो ऐसा हो सकता है कि वा मुशद मद लगने लगे क्योंकि वाऊ से पहले दम्मा इन द ऑलरेडी आपको पता है इट इज वाव मदिया साउंड करेगा सोना दिस है तजदीद की प्रॉपर्टी आपको स्लाइटली सुनाई दे रही थी है ना लेकिन आपको स्ट्रेचिंग भी सुनाई दे रही थी राइट बिकुआ

रहे, okay? wow, मद की आई खुजो निकुआवा वहां पर भी वाव मुश्दत की स्लाइटेस्ट जो सख्ती है वो दिख रही है बट स्टिल वो बहुत ही लाइट साउंड कर रहा है जैसे वहाँ पर कोई मद आ गया हो है ना? न बेकुआ बंडर स्टूड खुजो निकुवा राइट right. एक और एग्जाम्पल अब हमने मध के एग्जाम्पल्स लिए हुए थे अब वाउलिन और यालिन के लेंगे अव कसोई कसोई देखे का क्या हो गया यालिन बन गया सख्ती चली गई कसोई ये भी अब जितना भी आप सख्ती देना चाहें वो या तो एक एक्सटेंडर लग रहा है ये भी उतनी सख्ती या की स्पेशली तशदीद की नहीं आ रही कैसे करेंगे अमस ये, ये कल सीखेंगे यहाँ पर भी नंबर होता है أو كصيب من السماء أو كصيب أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء أو كصيب أو كصيب أو كصيب صيب okay it should أو كصي كصيب कصयब नो इट इज साउंडिंग जस्ट लाइक यालीन विच है सॉफ्टनेस इन इट बट नो यहाँ पर है या मुशद्दद सो तशदीद की जो सख्ती है वो जरूर आएगी ओके कस्यब मिनसमाना ओके लास्ट एग्जांपल अ वाव अ लीन का है कि हम इसको वाव लीन ना बना दें कॉल असकीर الاولین नॉट अवलीन قال أساطير الأولين أولين رونغ كيف سيبرينج قال أساطير الأولين أولين Rising the accent but yeah I थिंक आपको जो पिछली साइड में स्लाइड के अंदर नबर था उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगा नबर की इंटेंसिटी में ये इंटेंसिटी हम डिसाइड नहीं करेंगे ये आपको ख़ुद समझ आ जाएगा हम ऑल द फाइव नबर के केसेस को एक बार पढ़ेंगे फिर कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि किस में किस तरह का कितना हद तक नबर हम कर रहे हैं ओके सो दिस वॉज नबर वन वाओ एंड या मुशद कम्स इन दी वर्ल्ड इनसाइड द वर्ल्ड और उससे पहले ऐसे हरक़त हैं जो उन या मुशद और वाह मुशद को हरूफल दिन या हरूफल मद की तरह साउंड कर सकते हैं ओके दैट इज वाइट टू नॉट मेक इट साउंड लाइक हरूफ़ हरूफ़ अलीन, बट मेक इट साउंड जस्ट लाइक आर मुश्दत एंड वा मुश दॉपर्टी इन इट ड्यू टू दैट तशदीद वी हैव टू मेक नबर इन इट अंडरस्टैंड अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल बाकी का जो है इन हम कल देखते हैं मद अजिमल यू नो ऑलरेडी लाजिम छः हर का खींचा जाता है उसके बाद जब तजदीद का लेटर आता है तो ये भी हमने बेसिक तजवीद में डिस्कस किया था वेन वी लर्न लाजिम uh, मद एंड ऑल्सो हेयर एज जब हमने आरदा uh, में मद लाजिम सीखा था तो आई सेट दैट तजदीद के लेटर पर ज्यादा फोकस करें कि उसकी प्रॉपर्टी ना चली जाए है ना बिकॉज मद जो है अर रिखावा का लेटर है हमने देखा था बहुत ही सॉफ्टनेस उसमें होता है रिखावा का मतलब ही नरमी एंड सॉफ्टनेस है उसको हम खींचते ही जाते हैं और जैसे ही तशदीद का लेटर आता है ऑबियसली तशदीद का मतलब सख्ती होता है नरमी और सख्ती एक दूसरे से मिल गई तो ऐसा हो सकता है कि उस नरमी के साथ जब हम मतलब लाजिम में सिक्स काउंट स्ट्रेच करते हैं तो वो लास्ट जो लेटर आता है तशदीद के साथ आफ्टर दैट सिक्स्थ काउंट दैट कैन बिकम वेरी सॉफ्ट एंड साउंड लाइक जस्ट लेटर विद एनी हरका कोई भी हरका के साथ बट नॉट वि तश्ती ऐसे साउंड करेगा है ना जिसकी वजह से उसकी मीनिंग चले जाएगी इसका एग्ज़ाम्पल स फातहा की लास्ट वर्ड में ही है मतलब दॉ लीन इसके जो मेन रूट वर्ड्स हैं वो बनते ही तीन लेटर से हैं दो दाम लाम वो दो लाम होना ज़रूरी है अगर आपने उसको बस डॉ लीन पढ़ा तो वह लाम का आई I मीन mean, उस वर्ड का कोई मतलब नहीं होगा दौ द लाम लाम इज़ इम्पोर्टेंट देर सो वेन लाज इनाउंस इट एंड उसके बाद का जो लेटर है वो तशदीद पर ही होता है ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ मुशक्कल देख रहे हैं उस मुसक्ल मर्द के अंदर तशदीद की लेटर जो होते हैं उसकी सख्ती कायम रखना है हमने उसको निकाल देने से उस लेटर की मीनिंग चेंज हो सकती है या वो बेमानी वर्ड बन जाएगा दैट इज़ वाई थोड़ा सा एक्सेंट को राइज करेंगे ओके okay, तो अब मैं पढ़कर दिखाऊंगी इसको कैसे पढ़ना है फाइन आई स्ट्रेच इट फॉर सिक्स कौन मे बी ड्यू टू फ्यू ऑफ यूज नेटवर्क कनेक्शन आपको इतना लंबा स्ट्रेचिंग सुनाई नहीं देगा फर्स्ट मैं सिक्स काउंट पढ़ूंगी बाद में थोड़ा सा कम करके भी रिसाइड करूंगी सो दट इट विल ऑडिबुल अगर विदाउट नबर के पढ़ू अलह <laughs> जो सकीन वाला था इट वॉज टू क्लियर बिकॉज नबर देर बट फर्स्ट टाइम मैंने रिसाइट किया तो आई डी नॉट डू नबर सो इट वॉज साउंडिंग एज इफ देर इज नो तशदीद ऑन दैट लेटर है ना दोबारा देखें क्योंकि हम छः हर का स्ट्रेच करते हैं उसके अंदर वो तशदीद का लेटर मिस हो जाएगा अल्हाकतु मल्हाका, 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 मल्हाका। जो सिक्स हरका स्ट्रेचिंग है फिफ्थ हरका के बाद आपकी आवाज ऐसे होगी फिर ऐसे होगी ओके या उतना ज्यादा भी ना करना पड़े तो ऐसे होगी लिटिल डिविएशन ओके लिटिल एलिशन इन द साउंड एक्चुअली फाइन सो हाउ टू रीड इट अलहुम अलहुम एंड रिमेंबर जैसे ही कौफ के बाद मैं ता पर आई उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे सो दैट साउंड अगेन वो अपने नॉर्मल पेस में चला गया है ना क्योंकि हमने दोबारा से आगे जाकर उसके एक्सेंट को राइज करना ही है सो यूल हैव टू जस्ट मेक द नबर uh, की जो लेटर्स होती को फॉलो करना होता है नबर का उसी जगह बस एक्सेंट को राइज करें उसके बाद दोबारा आप नॉर्मली रिसाइड करें ओके okay? जैसे लास्ट हर का टिल हायर एंड ऑल्सो द कॉफ वॉज ऑल्सो थोड़ा सा हायर साउंड कर रहा था, था उसके बाद हमने नॉर्मल किया उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने में ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट लेटर भी आवाज़ थोड़ी ऊंची रहे बता दो जो के बिकॉज जो नबर था हमने उसको सही से आदा कर ही लिया ओके okay. यहाँ पर अगर देखें ली दो वल दो ली

वो मुश्दत से एन होता हो और उस पर या तो सुकून ऑलरेडी है या वक्त की वजह से सुकून लग रहा है अगर हक है तो ऑब्वियसली नबर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ साकिन नहीं लगा रहे हक पढ़कर स्टॉप करेंगे हक पन को हक कॉ नीड ऑफ एनी नबर देर बट वन सिर्फ और सिर्फ हक उ है हकु, okay? ओनली देन आपको उसको साकिबिल में बदलेंगे तो बट ये एग्जाम्पल मैंने कलकला का लिया हुआ है जो एक्चल में नबर की जरूरत नहीं होती सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल वेर तजीद लेटर है और वो ना तो कलकला के हरूफ है और ना तो नून और मीम बाकी के जो भी अरबी के अल्फाब्स रह जाते हैं वहाँ पर आएंगे एंड उस पर तशदीद लगा हुआ होगा वक्फ के दौरान उस पर या तो ऑलरेडी साकिन होगा या हम आज सुकून लगा रहे हों तो नबर करके पढ़ेंगे तो जो इंटेंसिटी थी यहीं पे आपको समझ आ गया होगा कि जो इंटेंसिटी हमने अभी थर्ड केस में देखा था नबर का वो थोड़ा सा ज़्यादा था है ना रदर दैन दिस बिकॉज वहाँ हम जो हिम्मत को खींचे चले जाते हैं आखिर में हमने उस मुस्कल लेटर पे थोड़ा सा ज्यादा से नबर करके पढ़ना होता है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़ी इंटेंसिटी वहाँ पे ज्यादा होती है राधा ही और मुस्तिर इतना ही वहाँ पर अलहाक। थोड़ा सा ज्यादा था है ना तो ये आपको खुद ही जब आप अप्लाई करेंगी वो आ ही जाएगा इसकी इंटेंसिटी समझ आ ही जाएगी सकेंड कौन सा था जब और या मुश वॉज के दरमियान में हो और उनसे पहले ऐसे हरक़त हो जो उनको वावलिन यालिन वामद यामद बना सकते हैं है ना अस का नहीं बे बिन का बिन अल अलवीन अंडर स्टैंड और लास्ट केस जो हमने आज सीखा वो क्या था कि तशदीद की वजह से होता है उसके अंदर नबर करना ताकि तशदीद ना चली जाए प्रैक्टिस प्रैक्टिस नीडेड कोई डाउट्स हैं क्लियर है माशाल्लाह दैट इज ग्रेट बट यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग ओनली देन इट विल बी मोर क्लियर और स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपकी आवाज़ जब आप नबर कर रहे हो इंस्टेड ऑफ उस लेटर पे नबर करने के बजाय उससे पहले के लेटर से आप आवाज़ थोड़ी हाई करने लगी क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो ऐसे हो सकता है लेकिन आगे आगे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे बिकॉज यू नो परफेक्ट तभी हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो ऐसे हो सकता है कि जब अलह जो मैं सिर्फ सिक्स हरका पे या फिफ्थ हरका से कर रही हूँ आप उसको स्टार्टिंग से ही अलह ऐसे करने लगें और वैसे भी वो जो नबर है वो यहाँ आने तक ना कौफ़ को आने तक चला जाता है तो दोबारा से अपने हाइक करना पड़ता है तो मेक श्योर करें आखिर का नंबर की हमने इस तलाही तारीफ़ में देखा ना कि उस वर्ड का कुछ हिस्सा या कम्प्लीट वर्ड उस लेटर का कुछ हिस्सा जैसे मद का लास्ट हिस्सा या उस कम्प्लीट लेटर को ही हमने नंबर करना है कम्प्लीट लेटर ऑब्वियसली फर्स्ट केस में देखें अल सी हम उस या को ही नंबर कर रहे हैं है ना अल मुस्त वाली हरक़ा को बस फता और लास्ट में को राइट यहाँ पर हम कौफ पर भी कर रहे हैं साथ में मद की जो एक हरकत थी उसको भी अलहराइट ओके अलहमदिल्ला लिजन टू द रिसाइटेशन ऑफ दिस स्पेशली अगर आपने नंबर को अच्छे से, से देखना है सोरा कद अली यूट्यूब पर डिफरेंट रिसाइटर्स की रिसाइटेशन देखें आपको उनकी पिक्चर्स में भी डिफरेंस साउंड करेगा इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका नंबर रॉन्ग नहीं है बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स सेंड मी मिड रिसाइटेशन से मेरा नंबर की इंटेंसिटी लो लग रही है बट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर रिसाइटेशन कुछ नंबर थोड़ी सलाइट लगने लगेंगे डिपेंडिंग अपन हाउ यूर डूइंग इट बट इट इज़ ओके इफ़ यू जस्ट मेक इट क्लियर वाजे कर दें कि वहाँ तजदीद का लेटर पढ़ रहे हैं सही से ओके okay? अलहमदिल्ला